जयकारा श्री रामानी का बोल साचे दरबार की जय। माता रानी की नवरात्रि आ रहे हैं, आइए माँ का स्वागत करें हम सभी बड़े भाव श्रद्धा से। स्वागतम माँ स्वागतम, स्वागतम माँ स्वागतम, स्वागतम गणपति को लाना, रिद्धि सिद्धि को भूल न जाना, रिद्धि सिद्धि को भूल न जाना। शुभ लाभ का नवरात्रि को लेकर पूरे देश में तैयारियां हो रही हैं और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। और विशेष तैयारियों के बीच योगी सरकार ने आदेश दिया है कि सभी मंदिरों को, सभी धर्म स्थलों को सजाया जाएगा, साथ ही साथ इसको लेकर के विशेष कन्या पूजन के कार्यक्रम किए जाएंगे, महिला सुरक्षा से भी इसे जोड़ा गया है। लेकिन जो आदेश योगी सरकार की तरफ से दिया गया है इसको लेकर के विवाद भी शुरू हो गया है। कहा यह जा रहा है कि नवरात्रि को लेकर के पूरी तैयारियां की जा रही हैं, सरकार की तरफ से जोशो खरोश दिखाया जा रहा है, लेकिन 12 वफात जो कुछ दिनों पहले गुजरा था उसके दौरान तमाम पाबंदियों के फरमान जारी किए गए थे, इसको लेकर के हम बड़ी बहस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। अगले महीने 3 अक्टूबर से शुरू होने वाले शारदीय नवरात्रि को यूपी में भव्य तरीके से मनाया जाएगा। यूपी के हर जिले में नवरात्रि की ऐसी धूम दिखेगी जैसा पहले कभी नहीं देखा गया होगा। यूपी के हर मंदिर और मठ में माता की ऐसी भव्य और दिव्य आराधना होगी जिसे देखने वाले भी दंग रह जाएंगे। योगी सरकार ने इस बार नवरात्रि को खास बनाने की तैयारी की है। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। योगी सरकार के इस फैसले पर जहां एक तरफ खुशी नजर आई तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय से जुड़े कुछ लोगों ने सवाल भी खड़े किए। सवाल ये कि कहीं ये सियासी कदम तो नहीं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हर धर्म के लोगों को अपना त्योहार खुले तौर पर मनाने की इजाजत दी जाए। दरअसल 2 महीने पहले जुलाई में जब मुहर्रम का जुलूस निकाला गया था तब यूपी में अस्त्र शस्त्र और धारदार हथियारों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई थी, जिसे लेकर मुस्लिम समुदाय ने कड़ा एतराज जताया था। ऐसे में नवरात्रि को धूमधाम से मनाए जाने को लेकर सरकारी फरमान पर सियासत तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नवरात्रि वर्सेस 12 विवाद क्यों किया जा रहा है, आखिरकार विवाद क्यों खड़ा किया जा रहा है, इस पर हम करेंगे बड़ी बहस। लेकिन हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं, धर्मगुरु भी हैं, राजनीतिक दलों से जुड़े हुए भी लोग हैं, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, इन सब पर करेंगे बहस। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि नवरात्रि की महिमा क्या है। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, जो आचार्य जी हैं, वो हमें बताएंगे कि आखिरकार नवरात्रि की महिमा क्या है, इस बार के नवरात्र में ऐसा क्या खास होने जा रहा है। जी, नवरात्र की महिमा ये है कि हमारे यहाँ 4 नवरात्र मनाने की परंपरा रही है, जिसमें कृषि प्रधान देश है भारत, तो नवरात्र मनाने के लिए कुछ धन की आवश्यकता होती है, इसलिए 2 नवरात्र प्रमुख रूप से जाने जाते हैं, एक शारदीय नवरात्र, एक बासंती नवरात्र। और इस समय को कहा गया है कि ये जो समय है कन्या राशि में सूर्य होते हैं तो इस समय बहुत ज़्यादा रोग फैलते हैं, बहुत ज़्यादा महामारी फैलती है, बहुत ज़्यादा संक्रमण फैलता है। इसलिए यहाँ तक कि हमारे यहाँ स्कंद पुराण में लिखा है कि ये यमराज का दांत होता है ये समय 1 महीने, इसीलिए भगवती दुर्गा की आराधना करके ताकि सारा समाज सुखी रहे, स्वस्थ रहे, संपन्न रहे, इसलिए भगवती की आराधना की जाती है। कन्या पूजन से भी जोड़ा गया है, कन्या की रक्षा से भी जोड़ा गया है इस बार के नवरात्र को में। नवरात्रि को लेकर के क्या कुछ कन्या रक्षण के संकल्प जो हैं सरकार की तरफ से दिए गए हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? मैं इसको एक बहुत ही सकारात्मक पहल देखता हूं सरकार की तरफ से। कन्या रक्षण जरूरी है,
जिस तरीके से लव जिहाद के बढ़ते मामले, जिस तरीके से कन्याओं के साथ अभद्रता, कि जिस तरीके से हमारी बहनों को सूटकेस में काट कर डालने का काम चल रहा है, सरकार की इस पहल का मैं स्वागत करता हूं। बहस की शुरुआत हो चुकी है कि यहां पर महिला रक्षण की जो बात कही गई है उससे जोड़ करके देख रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार धर्म को इस तरह से क्यों जोड़ा जा रहा है कि भाई दुर्गा पूजा, दशहरा, नवरात्र वर्सेस बारह वफात। यहां पर सवाल ये उठता है रंगरेज साहब, क्यों आखिरकार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है कि 12 वफात वर्सेस नवरात्र? नवरात्र का त्यौहार है, सबके लिए है, महिला रक्षण से उसको जोड़ा गया है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि हिटलर की जो आत्मा है वो योगी जी के अंदर आ गई है। वो तानाशाह वहाँ पर थे, वो तानाशाह यहाँ पर दिखा रहे हैं और तानाशाही कर रहे हैं। एक समाज के लोगों को सेकेंड क्लास सिटीजन बनाने की जो मुहिम है, एक देश में दो तरीका नहीं होना चाहिए, एक देश में दो तरीका नहीं होना चाहिए। सिंह साहब, एस एन सिंह साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता। सर क्या करेंगे? देखिए, देश का संविधान एक ही है, एक देश में दो तरह के कानून है नहीं, लेकिन कुछ लोग संविधान को मानते नहीं है, वो शरिया को ही मानते हैं, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि यूसीसी लागू होना चाहिए, देश में एक ही कानून होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा कार्य नहीं करेगी कि तुमको जो पसंद वही कार्य करेंगे और तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, ऐसा काम तो नहीं करेंगे। अरे जनता को जो पसंद है वो काम करेंगे। आप देखे होंगे पिछले नवरात्रि में अस्त्र शस्त्र लहराने पर, बंदूक लहराने पर भी प्रतिबंध लगा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर लाउडस्पीकर उतारा जाता है तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जहां के महंत होते हैं सबसे पहले वहां के उतारते हैं। इस नाते कहता हूं पारदर्शी ईमानदार जवाब दे, और जनता की सरकार है जो संविधान से चलती है। ठीक है, हमारे साथ दीपक विज साहब भी हैं। दीपक विज साहब, यहाँ ये कहा जा रहा है कि भाई त्योहार जो हर्ष वाले होते हैं उसके लिए कोई नियम कायदे नहीं है, लेकिन ऐसे त्योहार जिसमें कि हालात बिगड़ने की आशंका होती है उसके लिए निर्देश होते हैं। 12 वफात के लिए थे तो रामनवमी के लिए भी थे। देखिए मैं बता दूं, सरकार का जो काम होता है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, सरकार का जो काम है वो ये है कि सभी संतानों को एक ही नजर से देखें। हमारा ये मानना है कि जो ये कर रहे हैं नवरात्रे, बहुत बढ़िया स्वागत है, पर यही चीज़ सब धर्म के साथ होनी चाहिए। ये जब नगर कीर्तन आते हैं, जब हमारे मुस्लिम समाज के कार्यक्रम होते हैं, जब ईसाई समाज के कार्यक्रम होते हैं, जब सिख समाज के कार्यक्रम होते हैं, जब बौद्ध समाज के कार्यक्रम होते हैं, तब मेरा मानना है सरकार की अगर यही दिशा है तो ठीक है, नहीं तो सरकार को चुप रहना चाहिए। सब धर्मों को अपना जो कार्यक्रम है अपने धर्म को निभाने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। हमारा ये मानना आज़ादी नहीं है। किसको आज़ादी नहीं है? मुमताज़ जी, क्या आज़ादी नहीं है आपको? नहीं नहीं, देखिए एक मिनट चंदन जी, आपने एक प्रश्न वो पूछा, मैं बताइए आज़ादी है। हमारा मानना है कि वो हस्तक्षेप कर रहे हैं जी, वो किसी एक धर्म को विशेष तौर पे जुलूस के दौरान हथियार ना लहराए जाए, या हस्तक्षेप कैसे हो सकता है? मुमताज़ जी जवाब दीजिए कि हम सरकार उसकी मदद करेगी जी। एक मिनट, मैं देखिए ऐसा है कि धर्म निरपेक्ष राज में ऐसे राज की कल्पना की गई है जो सभी धर्मों तथा संप्रदायों का सम्मान आदर करता है, ठीक है? ऐसा तो इसलिए मुझे लग रहा है कि जो सरकार का काम है वो भजन कीर्तन, नवरात, दिवाली, रमज़ान, ईद, बकरीद करना नहीं है जी, बल्कि सरकार का काम है कि अगर बेरोजगारी है तो उस पर काम करे, ये सरकार काम है। बाकी भक्तों को छोड़ देना चाहिए, यहाँ बहुत सारे भक्त मौजूद हैं और नमाज वाले भी मौजूद हैं, वो अपना नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, हज करें, सब करें और इसी तरीके से ये पूजा पाठ करें, इनको छोड़ दिया जाए। पूजा पाठ सदियों से चला रहा है, करना सरकार का काम नहीं। उमेश आनंदगिरी जी, क्या एक जवाब देना चाहूंगा? और मैं चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी ये घोषणा करके जाएं और मुस्लिम स्कॉलर भी घोषणा करके जाएं, मंदिरों का जो भी चढ़ावा होता है, मंदिरों का जो पैसा होता है वो समाज के काम में आता है, वो जाति और धर्म के काम में नहीं आता है, लेकिन मस्जिदों का जो पैसा होता है वो विशेष धर्म के काम में आता है। तो आप डिक्लेयर करें, हमें बताइए, हमें बताइए कौन से मंदिर का काम किस समाज में आता है और मस्जिद का कौन सा पैसा? एक मिनट हमें बताइए। नहीं, हम भी लगातार प्रयागराज चाहते हैं लोगों के मुद्दों की बात, प्रयागराज के रहने वाले चाहते हैं लोगों के मुद्दों की बात ना हो, चाहते हैं हिंदू मुसलमान कुछ भी करेंगे कोई न सुने, आपको लग रहा है कि आप कुछ भी करेंगे कोई न देखे, आपको लग रहा है कि आप कुछ भी करेंगे कोई न बोले, तो ऐसा नहीं होगा कि आप मूत्र पिला दें, आप
कोई गंदा खिला दें या कोई अपकृत्य कर दें, ये सरकार सुरक्षा नियमों का पालन हालत में कराएगी और सबके लिए कराएगी, सबके साथ कराएगी। ठीक है, चलिए मुमताज जी जल्दी रिस्पोंड। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे बड़ी हैरत है कि जब केंद्र में इतनी मजबूत मोदी सरकार है, यूपी में इतनी मजबूत योगी सरकार है, तो ये एहसास और भ्रम मुगलों वाली सरकार का क्यों हो रहा है कि सब इन्हीं के दौर में हो रहा है? मूड भी शुरू हो गया और लव बिहार भी शुरू हो गया, सब इनके दौर में क्यों हो गया? ये कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ लड़ाने का काम कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और जो क्राइम है वो तो ठीक है, उसको क्राइम की तरह निपटिए। एक सेकंड गुलाम सरवर साहब, सवाल ये उठाया जा रहा है कि मंदिरों का पैसा अलग अलग राज्यों में पूरे देश में जो है जाता है सरकार को, तब तो नहीं कहते कि एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे? अगर जो है मुस्लिम जो धर्मस्थल है या अजमेर के ख्वाजा शरीफ का पैसा जो है वो तो सरकार को नहीं जाता। पहली बात बड़े ही इत्मीनान से सुनना है, पहले मस्जिद क्लियर कर लीजिए, मंदिर वर्सेस मस्जिद नहीं, वर्सेस वाली बात नहीं है, गलत बात नहीं, यहाँ वर्सेस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ वर्सेस की बात नहीं हो रही है, इनको चलने देंगे ना? मस्जिद में पैसे नहीं आते, मस्जिद में पैसे लगते हैं सर, मस्जिद में मेंटेनेंस किया जाता है, पोताई किया जाता है, आपको तनख्वाह दिया जाता है, मतलब आप चल ही चलाते हैं, किसी से लेते नहीं है, ठीक है, मंदिर की चल रही है, मंदिर लेते हैं, मस्जिद में एक्सपेंस होता है, मंदिर लिया मंदिर को पैसा मिलता है, चढ़ावा नहीं करते, मस्जिद में खर्चे होते हैं, मंदिरों में खर्चे नहीं होते हैं, मस्जिद में रूल तय कर दूं, मुझे शुरू में करना चाहिए था फिर बीच में कर देता हूँ। एक वक्त में एक गेस्ट बोलेंगे, जिनको मैं कह रहा हूँ वही बोलेंगे, मैं जिनसे पूछूंगा वही बोलेंगे, तार्किक बात करेंगे, कुतर्क नहीं करेंगे। गुलाम सरवर साहब, सीधा सवाल, क्या वक्फ बोर्ड को भी, जो अगर ये दावा कर रहे हैं, सरकार के दिन कर दीजिए ना सर, जैसे मंदिर के बोर्ड हैं, तिरुपति देवस्थानम को भी कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जी, सरकार इनकी है, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कौन है सर, भाजपा नेता है या हम है? नेता के नहीं, मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि सरकार के अधीन दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कौन है, आम आदमी पार्टी का है या कांग्रेस का है? एक सेकंड, आम आदमी की सरकार में आम आदमी, ठीक है, कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस, वो सरकार के अधीन है, सरकार के अधीन है, सरकार के अधीन है, गलत दुनिया में कोई ऐसा कानून है क्या कि जज भी यही बन जाए, शिकायत कहां जज बन जाए, वो कहां पर चल रहे हैं, और सदस्य सरकार आपकी, चाहे हिंदुओं जिसको चाहे कर रहे हैं, पहली बात तो मैं स्पष्ट करता हूँ और मुझे टोकिएगा मत बिल्कुल भी, कि जैसे इन्होंने कहा कि योगी जी के अंदर हिटलर की आत्मा आ गई है, तो मैं इसका उत्तर जरूर देना चाहूंगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी के अंदर क्या बाबर की और औरंगजेब की आत्मा आ गई है क्या? ये तो इनका जवाब हो गया। जहां तक हिंदू धर्मस्थलों की बात है, इन्होंने रमजान की बात करी और नवरात्रों की बात करी, भेदभाव क्यों होता है? अरे नवरात्रों के अंदर और रमजान के अंदर भेद इसलिए होता है क्योंकि आपने सदैव किसी ना किसी प्रकार का आक्रांत और भय पैदा करने का काम किया है। यहाँ 12 वफात की बात हो रही है, रमजान के दौरान तो कोई पाबंदी नहीं होती, होती है क्या? कोई पाबंदी होती है क्या रमजान के दौरान किसी कोई को पाबंदी नहीं होती, चंदन होती जी, क्या? नहीं पाबंदी नहीं होती। 12 वफात की बात हो रही है, 12 वफात में तो इन्होंने आतंक मचाने का काम किया, पूरे भारतवर्ष में भय पैदा करने का काम किया। अगर ये 12 वफात को हमारे नवरात्रों से कंपैरिजन करने का काम करेंगे तो मैं इनको ध्यान दिलाने की बात करता हूँ कि नवरात्रों का मतलब होता है शक्ति पूजन, हमको शक्ति प्रदर्शन करने का काम करने मत दीजिए, नहीं तो किसी लायक आपको भारत में रहने छोड़ेंगे नहीं हम आप लोगों को। रमजान के दौरान जो पाबंदी तो होती नहीं है, 12 वफात में उत्पाद
बात होता है उस टाइम भड़काऊ नारेबाजी हुई थी, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, झंडे लहराए गए थे, इसलिए नियम कायदे का देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी नमाज से दिक्कत है, हमारी अजान से दिक्कत है, हमारे मुसलमान होने से दिक्कत है, हमारी वक्फ संपत्ति होने से दिक्कत है, भ्रम दूर करना है। एक तबका जो इस्लामोफोबिया से ग्रस्त है, कोई इस तरीके का माहौल पूरे देश में बनाना चाहता है, उसे मत फैलाना चाहता है, प्रपंच मत फैलाओ, कोई हमारे नमाज से कोई दिक्कत होती है, मुसलमान होने से दिक्कत है। एक मिनट, आपको नमाज पढ़ने से किसी ने रोका? पांच टाइम की नमाज किसी ने नमाज पढ़ने से समाज के लोगों को परेशान करते हो, माइक लगा लगा कर बोलते हो? नमाज पढ़ने से रोका तो नहीं है ना, कि नमाज पढ़ने पे ये पाबंदी लगा देते हैं, कहते हैं रमजान के महीने में कहते हैं जी आप भीड़ इतनी होगी, गैदरिंग इतनी होगी, इनको जगह नहीं देने।